मित्र बीरबल तुम आ गए। मित्र हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। तुम्हारी पहचान तो सीधे बादशाह तक। भाई साहब कुछ गलत कहें तो बता देना, तुम ही हो जो हमें सजा से बचा सकते हो। देखिए मित्र सत्या क्या हुआ विस्तार से बताएं। मित्र हमने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि हमारी बकरी ने बकरी को जन्म दिया तो हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी बिना कुछ खाए पिए। भगवान शिव की कृपा हुई और हमारी बकरी ने बकरी को जन्म दिया। भाई साहब कुछ गलत कह रहे हैं तो बता देना। हम प्रसाद लेकर गए चढ़ाने, लेकिन चार दिन तक खड़े रहे भूखे प्यासे, लेकिन हमारी बारी नहीं। सत्या ने तूने प्रण किया कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तू ये प्रसाद चढ़ाएगा। नहीं गुनाह गुनाह। अरे भाई साहब कुछ गलत कहे तो बता देना ना। अगर एक बार और पूजा ना दूं ना तो नारियल मार के सर फोड़ दूंगा तेरा। चार दिन से एक ही बात पूजा जा रहा है। चलो भाई कतार में रहो सब कतार में। हाँ कतार में सब कतार में। अरे कतार में रहो कतार में कतार में। मंत्री जी आ रहे मंत्री जी। कतार में सब आइए 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 आइए। अरे भाई साहब। हाँ क्या है? हम पिछले चार दिन से देख रहे हैं कुछ लोग बिना कतार में खड़े अंदर जा रहे हैं और प्रसाद चढ़ाकर वापस आ रहे हैं। हमारी शक्ल में बेवकूफ लिखा है कि हम पिछले चार दिन से भूखे प्यासे खड़े हैं, हमारी बारी नहीं आ रही। तुझे मालूम है ये सब कौन है? ये सब खास आदमी है और तू तू आम आदमी है। खास लोग कतार में खड़े नहीं होते हैं। तुम जैसे लोग कतार में खड़े होते हैं आम आदमी। ये सब जहां बना के खास हैं। और अभी अभी जो अंदर गए तुझे पता है वो कौन है? वजीर आजम बलदेव जी के खास हैं वो। कौन? वजीर आजम। उन्हें रोक लूं तुझे जाने दूं पहले मैं हैं? क्यों भाई साहब कुछ गलत कह रहा हूं तो बता देना। कोई आस पास आया ना काट देंगे प्रसाद चढ़ाने दो उनको। हट जाओ हट जाओ उन्हें मार देंगे। हट जाओ। कौन हो तुम? हट जाओ हमें प्रसाद चढ़ाने दो। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। नहीं, सुनो तुम्हारी जापना के सामने पेशी है। देखिए मित्र सत्य हम आपके स्वभाव को जानते हैं, आप बड़े ही गुस्सेल हैं। लेकिन जापना के सामने जब आपको पेश किया जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांगो और बिल्कुल चू तक मत करना। चलिए जहां पना सालों की मेहनत के बाद हमने इस कवच को तैयार किया है। अब अगर आप इस कवच को पहनकर जंग के मैदान में जाएंगे तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। माशाल्लाह बेहतरीन वैज्ञानिक चिंतामणि हमें नाज है आप पर। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इस कवच की ऐसी क्या खासियत है। जहां पना हमने इस कवच के अंदर एक ऐसे पदार्थ का लेप लगाया है जो कि शरीर के संपर्क में जाते ही शरीर की गर्मी से कवच को इतना मजबूत कर देता है कि दुनिया का कोई भी तीर उसे भेद नहीं सकता और ना ही दुनिया की कोई तलवार उस पे एक खरोच तक कर सकती है। चिंतामणि आपको पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस कवच को किसी इंसान पर जांचा तो उस इंसान की जान को कोई खतरा नहीं होगा? नहीं अभी नहीं, क्योंकि इसकी जांच के लिए अभी तक कोई मिला ही नहीं। जापना कीजिए।
अरे बीरबल, आप कहाँ रह गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। चाय वैज्ञानिक चिंतामणि ने एक ऐसा कवच बनाया है जिसे दुनिया की कोई चीज भेद नहीं सकती। अब इस कवच को पहनकर हम हर जंग में फतेह हासिल करेंगे। जापना की जय हो। जापना, हम मुजरिम सत्या को ले आए हैं। ओह, तो आप हैं वो सत्या जिसने मंदिर में तैनात सिपाहियों पर हमला किया। यही नहीं, इसके साथ साथ आपने पुजारी जी पर भी हमला कर दिया। जापना, ये आदमी इतना गर्म मिजाज का है कि अपने गर्म मिजाज की वजह से इसने पुजारी पर हमला किया, सैनिकों पर हमला किया। इसका खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा देकर कैद खाने में डलवा दिया जाए। बलदेव जी, आपको लगता है कि मेरा गुनाह बड़ा है? तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। भाई साहब, अगर कुछ गलत कहूं तो बता देना। आम आदमी कतार में कब तक खड़ा रहे? उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, चाहे वो कतार में खड़े खड़े दम ही क्यों ना तोड़ दे। 4 दिन खड़ा रहा भूखे प्यासे, पर वहां बलदेव जी के रिश्तेदारों का तांता लगा और आम आदमी कतार में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा। इंतजार करते करते घुटनों पे आ जाए। अरे क्या सभी नियम कानून आम आदमी के लिए बने हैं? अगर ऐसा है तो आम आदमी कतार में खड़े खड़े मर जाएगा। इससे अच्छा उसे फांसी में लटका दो। अच्छा, तो आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं जापना, आम आदमी रोज मरता है, कभी कतार में तो कहीं और। लगता है जापना हमारे भाषण से खुश हो गए। जापना, हमें लगता है कि नहीं बीरबल, गुनाह तो गुनाह है। इनके हमले में अगर किसी की जान चली जाती तो इस आदमी को ले जाओ और एक बार के लिए कैद खाने में डाल दो। इनकी सजा क्या है ये हम बाद में मुकर्रर करेंगे। ले जाओ। जापना, जापना, क्यों ना इसकी जांच सत्या पे करें? ठीक है बलदेव, जैसा आप ठीक समझे। हाँ चलो चलो चलो, ये सारे चावल उठाओ और हमारे तांगे में डालो। जनाब कतार में आइए, यहाँ सामान नियम से बांटा जाता है। अरे जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम कौन हैं? हम शहजादे सलीम के खास हैं, खास। ये देखो, ये उनके द्वारा मोहर लगाया हुआ पत्र, पढ़ो। अरे माफी माफी। चलो ये सारे चावल इन बोरों में बांधो और हमारे तांगे में रखो। जी डलवाते हैं। अरे खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, चल डाल। चलो चलो अपने घर जाओ, चावल खत्म हो गए। अरे चलो चलो, चावल खत्म हो गया। अरे घंटे से लाइन में खड़े, हमको चावल चाहिए। अरे चलो जाओ, चलो चलो चलो। देखा आपने मित्र से? देख रहे हैं। नियम के अनुसार उस बूढ़ी औरत को अनाज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस बूढ़ी औरत को अनाज न देते हुए नियम तोड़कर किसी और को अनाज दे दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शहजादे सलीम के खास हैं। खास और आम का चक्कर कब तक यूं ही चलता रहेगा? इसी चक्कर के चलते हमारे मित्र सत्या भी कैद खाने में है। सत्या भी तो आपके खास हैं। नहीं 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 मित्र तानसेन, नहीं, सत्या सिर्फ हमारे मित्र हैं, जैसे आप हमारे मित्र हैं। हमारे लिए कोई आम कोई खास नहीं, मित्र सिर्फ मित्र हैं। तो फिलहाल आपको आपके मित्र की मदद करनी चाहिए। सही कहा मित्र तानसेन, और हम ऐसा ही करेंगे। जापना, सत्या का तो हो गया ना? हमारा मतलब प्रयोग हो गया, तो सत्या अपने घर जा सकते हैं? नहीं नहीं जा सकते सत्या।
सब तो सत्या कैद खाने में ही रहेंगे। सत्या इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कवच चिंतामणि ने बनाया है। जो चिंतामणि का कवच पहनते हैं वो कभी चिंता नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम्हें तो मौत से डर ही नहीं लगता ना? तो लो, तैयार हो जाओ। रुक जाइए, छपना। रुक जाइए। जापना इस कवच को परखने के लिए हम और भी बड़ी तलवार और तीर लेकर आए। आप ये इस कवच पर चलाइए। वाह बीरबल, वाह, ये हुई ना बात। लाइए। ये बीरबल हमारा मित्र है या दुश्मन? हाय, इतनी खराब है ये दुनिया शिवजी। इससे अच्छा है तो हमें इस दुनिया से उठा ले। हम कवच ठीक करके आते। कीजिए। आप घबराइए मत, चिंतामणि जी का कोई भी प्रयोग आज तक असफल नहीं हुआ है। ये कवच बहुत मजबूत है। फिर भी आपकी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए हमने तलवार और तीर पर धार ही नहीं लगाई है। हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। जापना, चलाइए चलाइए तेर। हम मौत से नहीं डरते, जिगर वाले हैं, जिगर वाले। थोड़ा कम कीजिए। हाँ, चलिए देखते हैं आपका जिगरा। बड़े जिगर वाले है ना। वाह, कमाल का कवच बनाया है आप। लेकिन कवच को परखना अभी भी बाकी है। वाह वाह चिंतामणि, अब हमें विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें ये कवच दीजिए। हम इसका एहसास करना चाहते हैं। लाइए, उतारिए इस कवच को, हमें पहनाइए। जापना, सत्या ने अपनी जान पर खेलकर इस प्रयोग को सफल किया, तो अब आप भी इसे माफ कर दीजिए और घर जाने दीजिए। अरे वो सब बाद में देख लेंगे, सबसे पहले ये कवच उतारिए और हमें पहनाइए। लाइए। मान लिए पीछे से मन हमें। नहीं हो पाएगा जहां पर ना। नहीं हो पाएगा जी। बीरबल, आप इसे बांधिए, बंद कीजिए। जापना बंद नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा, आपका क्या मतलब है? चिंतामणि ये क्या है? जापना, कवच छोटा पड़ गया। तो इसे बड़ा कीजिए। वो तो नहीं हो सकता, नया बनाना पड़ेगा जापना। हाँ तो बनाइए। लेकिन नया बनाने में तो कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल? हाँ। अरे हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमें कवच चाहिए। अब्दुल हमीद के साथ हमारी जंग कभी भी छिड़ सकती है। हम जापना, सत्या का तो हो गया ना, हमारा मतलब प्रयोग हो गया, तो सत्या अपने घर जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते सत्या, सब तो सत्या कैद खाने में ही रहेंगे। और इसके बाद जितने भी प्रयोग होंगे, जिस भी चीज के प्रयोग होंगे, ये सारे के सारे प्रयोग सत्या पे ही होंगे। कहीं नहीं जाएगा सत्या। देखिए सत्या, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ
जामन आप चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते के अंदर हम आपसे वादा कर देंगे आपका वजन कम करके रहेंगे, बस आपको मेहनत करनी होगी। आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, हमने आपको बुलाया है, लेकिन कवच के साथ बुलाया था। ये कवच कहाँ है? कवच? मित्र तानसेन, हमारा मित्र सत्या जो है उसकी जबान बहुत कड़वी है, वैसे दिल का बहुत अच्छा है हमारी तरह। मित्र तानसेन, आपकी तो जबान भी मीठी है, लेकिन सत्या बहुत गुस्सेल है और कुछ भी बोल जाता है, अब उसका छूटना मुश्किल है। इस बात का तो एक ही है उपाय, जहां पना को कवच में डालना है, सत्या को निकालना है। जहां पना को कवच में डालना है, सत्या। वाह मित्र तानसेन वाह, क्या दिया है उपाय, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप नया कवच बनाने में 2 साल लगाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। जापना की जय। जापना, आपको कवच में कैसे डालना है? हमारा मतलब है कवच कैसे पहनाना है, इसका हल हमने निकाल लिया है। जापना, आप वो कवच इसलिए नहीं पहन पा रहे थे क्योंकि आप बड़े हैं और कवच छोटा, तो क्यों ना आपको छोटा कर दिया जाए। हमारा मतलब अगर आपने वजन घटा दिया फिर आप वो कवच पहन सकेंगे और जंग मैदान में जा सकेंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है जापना, अगर आप अपना थोड़ा वजन कम कर लें तो हो जाएगा। जापना आप चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते के अंदर हम आपसे वादा कर देंगे आपका वजन कम करके रहेंगे, बस आपको मेहनत करनी होगी। अगर ऐसा हो सकता है तो हम तैयार है। जापना, वजन कम करने के लिए सबसे बेहतरीन है कसरत और योग। योग, योग तो हमें बहुत पसंद है। योग में हमारा सबसे पसंदीदा आसन है, वो हम आपको करके दिखाते हैं। जी जी जापना कीजिए, ये लीजिए। जापना ये क्या है? ये है शवासन, ये हम घंटों कर सकते हैं। जापना उठिए, देखिए जापना, वजन कम करने के लिए आपको कसरत करना होगा। कसरत? आपको कवच पहनना है कि नहीं? हाँ हाँ पहनना है। कसरत? जापना जापना दौड़ लगा। दौड़ना जरूरी है। कवच पहनना है जापना। हाँ कवच पहनना है। जापना कवच कवच। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलिए गणेश जी, अब आपके विसर्जन का समय हो गया, पर हमसे वादा कीजिए कि हर साल इसी तरह आप हमारे घर आएंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि हर साल सच्चे मन से हम आपकी सेवा करेंगे। बोलो गणेश जी की। अरे वाह जापना, आपका वजन तो काफी कम हो गया, आपकी मेहनत रंग लाई जापना, अब आप कवच पहन सकते हैं।
बीरबल, अब हम नायाब कवच पहनकर जंग पर जाएंगे और दुनिया में हाहाकार मचा देंगे। चिंतामणि को हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपनाह की जय हो। जहांपनाह की जय हो। आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, हमने आपको बुलाया है, लेकिन कवच के साथ बुलाया था। ये कवच कहाँ है? कवच वो तो हमने अपने किसी खास को दे दिया। किसी खास को? किसको दे दिया और क्यों दे दिया? वो मेरा अपना खास है, और खास है इसलिए हमने उसे दे दिया। लेकिन जहां बना, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम नाराज क्यों हो रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं अपने वजन को कम करने के लिए, उस कवच के लिए, और आप कह रहे हैं कि हम नाराज क्यों हो रहे हैं? कमाल करते हैं आप, बहुत बड़ी गुस्ताखी की है आपने, पर आपको इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। आपका तो हम सर कलम कर देंगे। जाबना, रुक जाइए। जाबना, पहले जान तो लीजिए कि जिस खास इंसान को चिंतामणि जी ने वो कवच दिया, वो खास इंसान है कौन? आ जाइए खास इंसान। शहजादे सलीम, आप क्यों जा बना? बुरा लग रहा है ना? जिस कवच के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, पतले हो रहे थे कि किसी भी तरह वो कवच आप पहन ले, वो कवच चिंतामणि जी ने सिर्फ इसीलिए किसी और को दे दिया क्योंकि वो इंसान इनका खास था। आपका खून खौल रहा है ना? हाँ, खौल रहा है। इसी तरह जापना सत्या का भी खून खौला था जब वो मंदिर के अंदर जाने के लिए मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया और किसी और इंसान को मंदिर के अंदर जाने दे दिया क्योंकि वो इंसान खास था। सत्या को गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुस गया। उसी तरह जिस तरह आपको गुस्सा आया और आपने चिंतामणि जी पर तलवार उठा लिया, तो फिर जापना सत्या की क्या गलती थी? यही कि वो एक आम इंसान है, खास नहीं। जापना ये आम इंसान खास इंसान का चक्कर आपको नहीं लगता कि किसी योग्य इंसान से उसका हक छीन रहा है? और जापना आप तो हमेशा एक ऐसे बादशाह रहे जिसने योग्यता की कदर की है, तो फिर आपके राज्य में ऐसी नाइंसाफी क्यों? आप जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं बीरबल, वो बात हम समझ चुके हैं। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। सत्या को बाइज्जत बरी किया जाए और उसी के साथ साथ राजा दरबार जी जहां पर हमारी पूरी रियासत में ऐलान करवा दीजिए, कोई लकड़ी नहीं, कोई बांस नहीं। है? है? नहीं, पूरी बात तो सुनिए, आगे का सुन तो लीजिए। कोई लकड़ी नहीं, कोई बांस नहीं, कोई दूध नहीं, कोई छास नहीं, कोई बहू नहीं, कोई सास नहीं, उसी की तरह कोई आम नहीं, कोई खास नहीं। वाह 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 वाह।